नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ प्रिया अधिकारी। स्वागत है आपका हमारे खास शो न्यूज रूम लाइव में, जिसमें हम बात करते हैं 11 राज्यों की 11 बड़ी खबरों की। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर और सबसे दुखद खबर जो आ रही है वो ये है कि भारत की पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का निधन हो गया है। कल रात को यानी मंगलवार रात को उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया था। उनकी तबीयत काफी लंबे समय से खराब थी, उसके बाद जब उन्हें भर्ती कराया गया कुछ देर बाद ही उनका निधन हो गया। इस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद है पुलकित। पुलकित, स्वागत है आपका। और ये बताइए कि किस तरीके से सुषमा स्वराज का कल निधन हो गया, काफी लंबे समय से उनकी जो तबीयत है वो खराब थी और पूरे देश में जो है इस वक्त शोक की लहर है। बिल्कुल, देखिए इस वक्त जिस तरह से क्योंकि पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का जब निधन हुआ तो ऐसे में पूरे देश में शोक की लहर है और एक अच्छे राजनेता को भारत ने खो दिया, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसके बाद की बात करें तो जिस तरह से कल रात को 9:30 बजे के बाद उनको एम्स में भर्ती कराया गया था और उसके बाद वहाँ पर उनका निधन हो गया। हालांकि डॉक्टर्स ने बताया है कि इसके पीछे जो कारण है कार्डियक अरेस्ट की वजह से उनकी मौत हुई है। उसके बाद तमाम नेता वहाँ पहुँचे, उनको श्रद्धांजलि दी और उसके बाद आज सुबह की बात करें तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ पहुँचते, उनके घर पर उनको श्रद्धांजलि दी। यहाँ पर गृहमंत्री अमित शाह पहुँचे, साथ ही राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, वाइस प्रेसिडेंट पहुंचते हैं उनके घर पे, वेंकैया नायडू, कांग्रेस पूर्व प्रेसिडेंट की बात करें राहुल गांधी, सोनिया गांधी, तो तमाम हुक्मरान तमाम नेता पहुंचते हैं और सभी ने कहा, एक ही सबकी आवाज़ थी कि एक अच्छे राजनेता को भारत ने आज खो दिया। तो बिल्कुल जिस तरह से उन्होंने अपनी बात को बेबाकी के साथ रखा हमेशा सदन में, संसद में, और यूएन की बात करें प्रिया, जिस तरह से संयुक्त राष्ट्र में असेंबली में उन्होंने भारत का मुद्दा, भारत का जो भारत की प्रमुखता से अपनी बातें रखने का उन्होंने वहाँ पे पूरा देखा किस तरह से दुनिया ने उनका स्वागत किया और उसके बाद पाकिस्तान को भी मुंहतोड़ जवाब दिया उन्होंने। और वहीं अगर देखें जिस तरह से उन्होंने तमाम लोगों की मदद की यहाँ पे, जिस तरह से अगर दूसरी कंट्रीज़ में जिस तरह से लोग फंसे हुए थे भारतीय, उनको वहाँ से निकाल के लाएं, तो उसमें कहीं ना कहीं अपने आप में एक उनको उनकी एक छवि जो है वो अभी सभी को याद रहेगा। साथ ही आप बता रहे जिस तरह से देखा हमने गीता को वापस लेके आए, तो तमाम उनके कहीं ना कहीं सब उनको याद रखेंगे। वहीं आपको बता दें कि उनकी जो तबीयत थी वो 2016 में किडनी फेल होने के बाद उनकी तबीयत खराब हुई थी और ऐसे में उसके बाद उनको डायलिसिस पर रखा गया था। हालांकि एम्स में उस दौरान भर्ती, लेकिन जब वो ठीक हुई उसके बाद ट्रीटमेंट लगातार हुआ तो उसके बाद उनको जब वो ठीक हुई उसके बाद वापस पहुँचती हैं लोकसभा में, उसके बाद सदन में उनको स्वागत भी किया गया। तो लगातार उसके बाद राजनीति में सक्रिय रही, लेकिन जिस तरह से कल जो संदेश आया उसके बाद पूरे देश में शोक की लहर है और इस वक्त तमाम चीफ मिनिस्टर्स की बात करें, भले कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर्स हों, सोनिया गांधी ही भले पूर्व प्रेसिडेंट क्यों ना हो, बीजेपी के तमाम नेता, बीजेपी के तमाम चीफ मिनिस्टर्स पॉलिटिशियंस की बात करें, सब इस वक्त उनको श्रद्धांजलि इस वक्त दे रहे हैं, भले सोशल मीडिया के जरिए, भले वहां पहुंचकर। जी, जिस तरीके से उनका उनका जो जाना है वो एक क्षति है पूरे देश के लिए। जी, वही इसमें अगर आपको बता दें कि 12 से 3 बजे तक का जो समय है भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में रहेगा वहां पे अंतिम दर्शन के लिए, और उसके बाद दर्शन के बाद वहां पे जैसे कि बताया गया यहाँ पे जेपी नड्डा ने जो कि बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं कि अंतिम संस्कार 3 बजे के आसपास होगा लोधी रोड में, शव दाह वहाँ पे जो गिरा है उसमें किया जाएगा। जी, वहीं आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हरियाणा की। तो जिस तरीके से हरियाणा की बेटी हैं, जी अंबाला से आती हैं सुषमा स्वराज, हरियाणा की बेटी हैं, तो उनके भाई से जब बातचीत की गई इस पर तो उन्होंने यही कहा कि हम सब तो खाना खाकर सो चुके थे, उन्हें पता नहीं था कि ऐसा कुछ होने हुआ है और उसके बाद खबर भी उन्हें जो है वो काफ़ी देर में पता चली। हालांकि बिल्कुल देखिए जिस तरह से हरियाणा की बेटी हैं सुषमा स्वराज, ऐसे में उनके जो भाई था, उनके कुछ भाई जो थे वो उस समय सो रहे थे और ऐसे में करीब मंगलवार की रात, कल रात की 11 बजे के आसपास बीसी बाजार में पॉलीक्लिनिक के ऊपर उनका घर है और डॉक्टर गुलशन राय शर्मा उनका नाम है, उनके भाई का नाम है, ऐसे में वो सो चुके थे। लेकिन जैसे ही उनको सूचना मिली फ़ोन पर कि सुषमा स्वराज का निधन हो चुका है, उसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा कहीं ना कहीं मतलब इमोशनल अटैचमेंट जो था, क्योंकि उनकी बहन का निधन हुआ उसके बाद वो अपने आप को संभाल नहीं पाए और ऐसे में उनको मतलब वो रोने लगे। उसके बाद जो उन्होंने इस वक्त कहीं ना कहीं जो पूरा जो घर जो था वहाँ पे उसमें सन्नाटा उस दौरान बसर गया। वहीं आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मध्य प्रदेश की। तो जिस तरीके से पुलकित अभी हमने गीता का जिक्र किया था, तो मध्य प्रदेश की इंदौर में रहती हैं गीता और उसके बाद उन्होंने भी इस पर शोक जताया और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि माँ समझती थी वो सुषमा स्वराज जी को और उन्होंने कहा कि मैंने अपनी माँ को खोया है और अपने दुख को मैं शब्दों में जो है बयां नहीं कर सकती हूँ। बिल्कुल देखिए जिस तरह से उनको वापस यहाँ लाया गया भारत में, उसके बाद एक अटैचमेंट उनका भी था और गीता का आज ही एक स्टेटमेंट हमने देखा किस तरह से जब निधन हुआ सुषमा स्वराज का, तो उसके बाद
एक वीडियो में देखा हमने कि वो रो पड़ी, इमोशनल हो गई, काफ़ी भावुक हो गई, और उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी वो अब अनाथ हो गई हैं, उन्होंने अपनी माँ को खोया है। और इससे आपको बता दें कि पाकिस्तान से लौट कर आई थी गीता इस वक्त, उनको काफ़ी ज़्यादा इमोशनल, उनको भी काफ़ी अटैचमेंट था। और ऐसे में उनका उन्होंने ये कहा आज एक वीडियो में जैसे सामने आया कि उनकी उनको उन्होंने ये कहा कि मेरी माँ चली गई हैं और वो अब अनाथ हो गई हैं। अब उन्होंने ये भी कहा कि मेरा ध्यान अब कौन रखेगा, क्योंकि इंदौर उन्होंने सुषमा स्वराज नहीं, जब वो इंदौर आए तो उनसे मिली और साथ ही फ़ोन पर लगातार उनसे बात भी करती थी। बीमारी के चलते एक महीने से उनकी बात नहीं हो पा रही थी गीता की। और साल 2015 की बात करें तो आपको बता दें कि 2015 में पाकिस्तान से भारत लौटने वाली गीता को मंगलवार रात सूचना दी गई, उसके बाद काफ़ी ज़्यादा वो परेशान इस वक्त हैं जी। वहीं आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बिहार की, तो बिहार के भी जितने भी बड़े नेता हैं उन सभी ने सुषमा स्वराज के निधन पर जो है ट्वीट किया है, साथ ही साथ अपनी संवेदना जो है व्यक्त की है। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से हमने आपको बताया कि तमाम नेता इस वक्त राजनीति से दूर, इस वक्त राजनीति से परे होकर इस वक्त सभी सुषमा स्वराज को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने जो योगदान रहा उसमें, लोकतंत्र के मंदिर की बात करें, भले राजनीति की बात करें, तो एक उनकी एक अलग पहचान है। और ऐसे में यहाँ पे मैं फिर से कहना चाहूँगा कि यहाँ पे कि एक अच्छे राजनेता को भारत ने खो दिया। तो उसके बाद यहाँ पे आप देखें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यहाँ पे बीजेपी की जो पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को उन्होंने यहाँ पे ट्वीट करते हुए इस पे दुख अपना प्रकट किया, और उन्होंने इस मामले में एक ट्वीट भी किया। साथ ही अगर आप देखें तो उनके साथ साथ तमाम जो नेता हैं, भले राबड़ी देवी की बात करें तो उन्होंने भी शोक यहाँ पे व्यक्त किया ट्वीट के जरिए। उन्होंने कहा कि वो काफ़ी लोकप्रिय, संवेदनशील, तो उन्होंने भी कहा कि एक अच्छी, एक ऊर्जावान प्रवक्ता थी, वक्ता थी, और साथ ही वो काफ़ी दुखी हैं, और एक विद्वान भी, क्योंकि आज एक विद्वान राजनेता को खो दिया। तो रामविलास पासवान वो पहुंचे, पूर्व सांसद और जाप संरक्षक पप्पू यादव भी पहुंचे, राज्यसभा से सांसद मीसा भारती यहाँ पे, साथ ही चिराग पासवान जो हैं रामविलास पासवान के पुत्र, उन्होंने भी इस मामले में उन्होंने भी यहाँ पे शोक व्यक्त किया। वहीं आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड के सीएम ने भी कहा है कि उनका जाना एक अपूर्णीय क्षति है इस जो है पूरे देश को, और उसके बाद एक बहुत अच्छा राजनेता हमने खो दिया है, लगातार इस पर जो है वो ट्वीट वो लोग कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए इस वक्त वहाँ पे बात करें तो अजय भट्ट हों, भले ही त्रिवेंद्र सिंह रावत हों, तमाम जो राजनेता हैं इस वक्त लगातार ट्वीट कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से अंतिम दर्शन उनके करें दिल्ली में आके। और आपको बता दें कि 2006 में सुषमा स्वराज उत्तराखंड में वहाँ पे मंदिर रही उत्तराखंड में, और ऐसे में अगर आपको बताएं तो अजय भट्ट भी कहीं ना कहीं उनसे व्यक्तिगत रूप से काफ़ी उनसे एक अच्छे से संपर्क था, उनसे काफ़ी अच्छे से परिचय था। तो ऐसे में इस वक्त हमने आपको बताया कि पूरे देश की बात करें, प्रदेश की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, तो इस वक्त शोक की लहर इस वक्त इन्हें देखी जा सकती है। वहीं बात करते हैं झारखंड की, तो झारखंड के मंत्री झारखंड के माफी चाहूंगा, 2006 में उत्तराखंड से वो केंद्र में मंत्री रही थी। वहीं आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं झारखंड की, तो झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने भी इस पर ट्वीट किया है, साथ ही जितने भी बड़े वहां के नेता हैं उन सभी ने इस पर ट्वीट कर शोक जताया है। बिल्कुल, और साथ ही आपको बता दें कि राज्यसभा में भी आज श्रद्धांजलि उनको अर्पित की गई, जिसमें नरेंद्र मोदी भी उस दौरान राज्यसभा में सदन में मौजूद थे। जैसे कि हमने देखा कि बिहार में किस तरह से पप्पू यादव ने, राबड़ी देवी ने, नीतीश कुमार ने, तमाम नेताओं ने, पूर्व फॉर्मर चीफ मिनिस्टर्स और चीफ मिनिस्टर्स ने यहाँ पे जिस तरह से ट्वीट करके शोक यहाँ व्यक्त किया है, उसी के साथ अगर आप देखें झारखंड में जिस तरह से तमाम नेताओं ने यहाँ पे, मुख्यमंत्री की बात करें रघुवर दास हो गए, भले केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और कांग्रेस के नेता अजय कुमार समेत तमाम झारखंड के नेताओं ने यहाँ पे दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री की बात करें तो उन्होंने ट्वीट कर कहा कि पूर्व विदेश मंत्री बहन सुषमा स्वराज के निधन की खबर से स्तब्ध हैं, पूरी तरह से दुखी हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए उनको किस वक्त जिस तरह से जो सुषमा स्वराज है उनका निधन हुआ है, उसके बाद यहाँ पे उन्होंने ये भी कहा कि वो उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे ईश्वर। तो तमाम ट्वीट का इस वक्त जो दौर है वो कहीं ना कहीं जारी है। वहीं आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं राजस्थान की, तो जिस तरीके से पूरे देश में शोक की लहर है, तो वहीं राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, उन्होंने भी ट्वीट किया, साथ ही साथ उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने भी इस पर ट्वीट किया, और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी इस पर ट्वीट किया है। बिल्कुल, जैसे कि देखा हमने कि किस तरह से यहाँ पे तमाम राजनेता लगातार ट्वीट कर रहे हैं, अशोक गहलोत ने भी यहाँ पे इस पर दुख जताया। जो अगर देखें डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने भी ट्वीट करके यहाँ दुख जताया, और साथ ही यहाँ पे जिस यहाँ पे अगर बात करें फॉर्मर चीफ मिनिस्टर वसुंधरा राजे, तो उन्होंने भी यहाँ पे ट्वीट करते हुए कहा कि सुषमा स्वराज जिस तरह से यहाँ पे निधन हुआ सुषमा स्वराज का, तो काफ़ी आश्चर्य उन्होंने इसको बताया जिस तरह से उनका निधन हुआ। उसमें कहा, उन्होंने कहा कि वो काफ़ी ज़्यादा आहत हैं, और एक कहीं ना कहीं रिलेशन था, बहन मानती थी, तो ऐसे में उन्होंने भी अपनी एक सिस्टर को खो दिया।
वहीं आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। जिस तरीके से कल लोकसभा में जो है जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटा दिया गया, उसके बाद अब इस पर जो है धारा 370 पूरी तरीके से जम्मू कश्मीर से हटा दी गई, तो आज जम्मू कश्मीर में एक नई सुबह का लोगों ने जो सूरज देखा है और वहाँ क्या क्या जो है बदलाव होने वाले हैं, पुलकित ये जानना चाहेंगे। बिल्कुल, जिस तरह से देखा हमने कि वहाँ पे कल लोकसभा में कल शाम को जिस तरह से पास हुआ ये, यहाँ तो उस वक्त कश्मीर का जो लेकर सरकार ने 370 फिलहाल वहाँ पे खत्म हो गई और 370 धारा को खत्म करने के सपोर्ट में, इसके पक्ष में 370 मतदान हुए, जबकि विपक्ष की बात करें तो 70 वोट इसके खिलाफ थे। और उसके बाद आज की अगर बात करें तो यहाँ पे अब राष्ट्र वहाँ पे जो राज्य का ध्वज और जो जिस तरह से अलग था वहाँ पे, अब वहाँ पे राष्ट्र वहाँ पे तिरंगा वहाँ पे फहराया जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि जिस तरह से वहाँ पे लोगों ने जब सुबह आज अपने घर से बाहर निकले तो उसके बाद पूरे वहाँ अगर स्टेट की बात करें तो तस्वीर बदली हुई थी। वहाँ पे राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ ही जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो अलग अलग केंद्र शासित राज्य इस वक्त बन गए हैं। लद्दाख और जम्मू कश्मीर अलग अलग बन गए हैं। और वहाँ पे अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो वहाँ पे राज्यपाल सतपाल मलिक इस उनका जो पद है वो भी अब उपराज्यपाल में बदल गया है। साथ ही आपको बता दें कि विधानसभा लद्दाख में नहीं है, अब विधानसभा जम्मू कश्मीर में होगी। जम्मू कश्मीर का जो एक वहाँ पे प्रॉपर्टी को लेकर जो था, क्योंकि विशेष दर्जा उसको प्राप्त था, वो समाप्त हो चुका है और ऐसे में अब वहाँ पे कोई भी प्रॉपर्टी खरीद सकेगा। साथ ही यहाँ पे एक बात और दिलचस्प यहाँ पे बता दें आपको कि जो जम्मू कश्मीर का जो अपना एक अलग जो झंडा था, अब वहाँ पे राष्ट्रीय ध्वज वहाँ पे फहराया जाएगा। साथ ही राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करना यहाँ पे एक बहुत बड़ा एक क्राइम अब होगा। वहीं आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। तो जिस तरीके से 3 तलाक बिल जो है वो पास हुआ था और उसके बाद इस पर कानून बन गया था, उसके बाद ही उत्तर प्रदेश से एक खबर आई है कि पत्नी ने 3 तलाक कागज पर जो पति है उसने 3 तलाक लिख दिया था, तो पत्नी ने उसके सामने फाड़ दिया उसे और उसके बाद सीधे उससे यही कहा कि अब से ये नहीं चलेगा। बिल्कुल, देखिए मंगलवार का मामला है और 26 साल पुराना रिश्ता जो टूट, यहाँ पे पति ने अपनी पत्नी को 26 साल पहले शादी हुई थी, उसने 3 तलाक दिया, उसके बाद यहाँ पत्नी ने भी उसको पूरा मुंह तोड़ जवाब दिया। और हालांकि जिस तरह से हाल ही में जिस तरह से 3 तलाक को लेकर जो कानून बना है उसका कहीं ना कहीं यहाँ पे पत्नी ने जिक्र किया। और आपको बता दें कि जिस तरह से पत्नी ने पति को कागज पर तलाक लिख कर दिया था, उसके बाद यहाँ पे ये जो मामला है नारी उत्थान केंद्र में भी पुलिसकर्मियों के सामने यहाँ पे जब पहुंचा तो वहाँ पे पुलिसकर्मियों के सामने पत्नी ने कागज फाड़ दिया और कहा कि अब ये नहीं चलेगा। उसके बाद काउंसलर ने समझाया कि जिस पर पति भी इस वक्त मान गया कि एक कानून बन चुका है और ये गलत है। उसके बाद यहाँ पे काउंसलर के समझाने पर, क्योंकि जब मामला पहुंचा नारी उत्थान केंद्र में, काउंसलर ने पूरी कोशिश की समझाने की, उसके बाद पति समझ गया कि ये एक गलत कदम उसने उठाया। वहीं आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पंजाब की। तो पंजाब से पंजाब का जो बॉर्डर है वो क्रॉस करते हुए एक युवक को वहां अरेस्ट किया गया है और जब उससे पूछा गया कि वो बॉर्डर क्यों क्रॉस कर रहा था तो उसने कहा कि मैं पाकिस्तान आतंकवादी बनने के लिए जा रहा था। बिल्कुल, ये जो मामला सामने आया इससे काफी चौंकाने वाला मामला है। और आपको बता दें कि पाकिस्तान में आतंकी बनने की ट्रेनिंग लेने जा रहे एक युवक को BSF ने बॉर्डर पर गिरफ्तार किया और उसके बाद BSF ने पूछताछ के बाद आरोपी को घरिंडा पुलिस को सुपुर्द कर दिया, उसके बाद सौंप दिया। और यहाँ पे उसके बाद आरोपी शाहिद अली यूपी के गांव नारायणपुरा ईदा का रहने वाला है और 4 अगस्त को आरोपी रात को करीब 7:45 के आसपास बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था, तभी उसे वहां से अरेस्ट किया गया। और साथ ही इसके आपको बता दें कि आरोपी ने यह भी बताया कि वह यूपी का रहने वाला है और पाक में उसके आतंकियों से संबंध है, इसलिए हथियार की ट्रेनिंग लेने वो पाकिस्तान जा रहा था। लेकिन BSF ने क्योंकि पकड़ा आरोपी को, तो उसके बाद BSF को आरोपी के पास से एक डायरी और एक मोबाइल मिला है जिसमें आरोपी ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लिखे हुए हैं। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के कोर्ट में पेश करके 3 दिन के लिए पुलिस रिमांड इस वक्त लिया है, उसको 3 दिन के लिए पुलिस रिमांड पर, और पुलिस ने फोन और डायरी जब्त कर पूछताछ शुरू कर दी है। वहीं आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हिमाचल की। तो पूरे प्रदेश में भारी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है, इस तरीके से कुल्लू में तबाही मची हुई है और बादल फट गए हैं, वहीं मनाली में भी जो अस्थायी पुल है वो बह गए हैं। बिल्कुल, देखिए वहाँ हिमाचल की बात करें, लगातार पिछले कई दिनों से मेट डिपार्टमेंट लगातार अलर्ट जारी कर रहा है, येलो अलर्ट भी वहाँ जारी किया गया, क्योंकि जिस तरह से मौसम का जो हाल है वो काफ़ी इस वक्त चिंताजनक बना हुआ है, लोगों के लिए परेशानी इस वक्त काफ़ी खड़ी है। और ऐसे में बात करें हिमाचल के कुल्लू में भी, वहाँ पे काफ़ी भारी बारिश इस वक्त देखी गई है और जिले की ऊंची घाटी की बात करें तो बादल फटने से भारी नुकसान हुआ है। और जानकारी के अनुसार घाटी की हालात 2 पंचायत के बड़ाग्राम, वहाँ पे बड़ाग्राम में बादल फटने की वजह से नाले में बाढ़ आ गई, जिसकी वजह से जो नुकसान है वो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर हुआ है। और बादल फटने के बाद लोगों में इस वक्त अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। हालांकि पुलिस ने हूटर बजाकर लोगों को जगाया, जिस तरह के हालात वहाँ बजे वहाँ जो बने, उसके बाद पुलिस ने सतर्कता दिखाते हुए वहाँ पे एक सायरन बजाया, हूटर बजाया, उसके बाद लोगों की आँख खुली और उसके बाद करीब 4 बजे
पतली कुहल बाजार को खाली करवाया गया। तो यहाँ पे पुलिस की कहीं ना कहीं एक देखिए प्रशासन की जिस तरह से येलो अलर्ट जारी किया गया था पहले, उसके बाद यहाँ कहीं ना कहीं एक यहाँ पे एक्टिव पुलिस यहाँ रही। उसके बाद मनाली घाटी की बात करें तो वहाँ पर रेत जिस तरह से काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई वहाँ पर रात भर बारिश, उसके बाद यहाँ पे व्यास नदी काफ़ी उफान पर है और जल स्तर बढ़ने की वजह से व्यास नदी पर बना सोलंग गाँव का पैदल पुल वो बह गया, अस्थायी पुल था वो बह गया। इस वक्त संपर्क भी वहाँ कहीं ना कहीं टूट गया है, सड़कें जो हैं वो इस वक्त मलबे में बदल चुकी हैं। जी, जिस तरीके से देखा जाए तो भारी बारिश के चलते लोगों का जनजीवन वहाँ पर पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। तो धमतरी में 19 में से 15 विशेषज्ञ डॉक्टरों का जो पद है वो वहाँ पर खाली है, और साथ ही साथ अगर बात की जाए तो 2 महीने से प्रसव के जितने भी ऑपरेशन है वो बंद है, नहीं हो रहे हैं वहाँ पर। बिल्कुल, जिला अस्पताल बीते 10 साल से डॉक्टरों की कमी से जूझ रहा है। हालांकि तमाम सरकारें आती हैं, भूपेश बघेल जब आए तो उन्होंने कहा कि जितने भी खाली पद हैं उसको हम जल्द से जल्द भरने की पूरी कोशिश करेंगे, और लेकिन यहाँ ज़मीन पे कुछ नहीं दिख रहा है। आपको बता दें कि जिला अस्पताल की अगर बात करें तो 200 बिस्तर के इस अस्पताल में 4 जिलों से लोग आते हैं इलाज कराने के लिए, और लेकिन डॉक्टर और तमाम जो सुविधाएँ हैं जो फैसिलिटीज़ हैं वो वहाँ पर नहीं है। मशीन्स की वहाँ कहने की कमी है, और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नम्रता चटर्जी जो है उन्होंने इस्तीफा दिया, और उसके बाद से यहाँ पे कहीं ना कहीं ऑपरेशन करने में काफ़ी परेशानी का सामना इस वक्त करना पड़ रहा है। और हर आपको बता दें कि हर रोज़ महिलाओं को यहाँ दूसरे अस्पताल में रेफ़र किया जा रहा है, क्योंकि जब वहाँ डॉक्टर ही नहीं है, वहाँ पे इक्विपमेंट्स नहीं है, तो ऐसे में डॉक्टर वहाँ पे जितनी भी संख्या काफ़ी कम है, मशीन्स वहाँ नहीं है, जो एक्सपर्ट है उसने अपना इस्तीफा पहले दे दिया है, तो ऐसे में अभी वहाँ पे ऑपरेशन ना करा के वहाँ पे भी डाइवर्ट किया जा रहा है कि दूसरे अस्पतालों में। साथ ही आपको बता दें कि डॉक्टर चटर्जी ने यहाँ पे 3 जून को इस्तीफा दिया था, लेकिन फिलहाल सवाल ये खड़ा होता है कि जिस तरह से उन्होंने इस्तीफा दिया उसके बाद सरकार ने क्या एक्शन लिया, क्या सरकार ने यहाँ पे जो तमाम इक्विपमेंट्स हैं जिनकी कमी है क्या उसको दूर करने के लिए कोशिश की। साथ ही जिस तरह से इस्तीफा दिया गया या डॉक्टर्स की जो कमी से जूझ रहा है इस वक्त ये जिला, तो क्या सरकार ने एक्शन लिया। जी धन्यवाद पुलकित। तो जिस तरीके से आपने देखा कि छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, विशेषज्ञों जो विशेषज्ञ डॉक्टर हैं उनकी कमी के कारण यहाँ पर लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, और सरकार इस पर अभी भी मूक है। तो ये थी 11 राज्यों की 11 बड़ी खबरें। इसी तरीके की देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ और डाउनलोड करिए हमारा ऐप NY000, जिसमें आपको मिलेंगी आपके शहर से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त।